हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इतने बहुत सारे इंक्वायरी आ रहे हैं जिनके नंबर 20 से लेके 26 के बीच में हैं, इससे भी कम है, उनका भी इंक्वायरी आ रहे हैं। तो मैं उस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनका नंबर 26.25 से कम है, तो उनको देखिए कैसे वो लोग पास करेंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे कि आप लोग इसको सही से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि आप अगर 26.25 से कम हैं तो कैसे आपको उम्मीद है कि आप लोग पास कर जाएंगे। तो देखिए, यहाँ आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का हुआ था, 75 पार्ट बी की बात कर रहे हैं, जिसमें 35% नंबर लाने थे जो हो रहे थे 26.25। तो आप लोग भी जानते हैं कि हर सेट में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन गलत थे, तो मैं 2 ही लेकर चल रहा हूँ। तो आप लोग भी जानते हैं कि 2 इसमें से अगर हटाते हैं तो ए से पहले आपको बता दूं कि जब CBT वो T1 का एग्ज़ाम हुआ था तो आप लोग भी जानते थे कि क्वेश्चन जब गलत हुआ था तो क्वेश्चन रेलवे ने उसको हटा के, तब जितने मान के चलिए अगर 75 का क्वेश्चन था, अगर 5 क्वेश्चन गलत था तो 70 पे ही कट ऑफ बनाया गया था। तो यहाँ भी वही सिस्टम होगा। तो मान के चलिए आपका 75 का एग्ज़ाम था और इसमें से 2 क्वेश्चन, मैं 2 से 3 क्वेश्चन गलत था तो मैं 2 को लेकर चल रहा हूँ, तो 2 अगर गलत है तो आपका कितने बच गया, 73। इसका अगर 35% निकालते हैं तो आपका आ जाता है 25.5 नंबर आ जाता है इसका, 35% निकालते हैं। अब क्या होगा आपको, तो अब इतने नंबर लाने हैं और इसके बाद कुछ क्वेश्चन पे थे जिसका आंसर गलत बनाया था रेलवे, तो मैं वहाँ से भी 2 क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि जो आपका 2 क्वेश्चन सही होगा, जितने जिसमें आप ऑब्जेक्शन किए हैं। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं, उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन कर दिया होगा उस शिफ्ट के, तो उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट को नंबर दिया जाएगा। तो अब देखिए, आपका 2 क्वेश्चन अगर सही होगा, अब बच गए कितने, 73 में 73 था आपका, मान के चलिए आपका मैंने कटअप कितना कर लिया था, 20, 22, 24 और 26 नंबर को, इतने वाले को बताएं, 18 नंबर वाले भी हैं लेकिन इनका रिक्स ज़्यादा है, तो इनका होप रखिए, लेकिन मैं इस पे देखिए इनका 50-50 का चांस है। लेकिन जो 20 से ऊपर हैं, 20 से लेके 26 तक, तो उनका मैं 95% से भी ज़्यादा मानता हूँ कि इनका चांस है। तो देखिए आपको क्या होगा, अब यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन अगर सही हो गया तो आपके मान के चलिए 20 नंबर हैं, तो आगे कितने, 22.66 नंबर आ जाएंगे। आपको चाहिए था कितने, 25.5। अब मान के चलिए अब 3 नंबर की आपको और ज़रूरत रह गई यहाँ से, जो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। आप लोग ट्विटर अकाउंट पे मत जाइए, कुछ ट्विटर अकाउंट पे लिखा हुआ है कि होगा, कुछ पे लिखा हुआ है नहीं, तो ट्विटर जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाती है तो ऑफिशियल पे आप लोग देखिए, अगर जो नोटिफिकेशन के ऑफिशियल पे देखते हैं तो उस पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हर पार्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, जितना भी स्टेट होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन निकलता कहाँ से है, नॉर्मलाइजेशन के मतलब है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में, अगर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता तो भली मान लेता कि नहीं होता, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के मतलब ही है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो देखिए कैसे, अगर कोई का मान के चलिए एक शिफ्ट में पेपर इजी था और उसी ट्रेड का दूसरे शिफ्ट में हार्ड था, तो हार्ड वाला के साथ तो नानसाफ़ी हो जाएगा अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो ईजी वाले को तो फ़ायदा हो गया यहाँ पर। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, रेलवे का ही यही नियम है। आप लोग उस पर मत जाइए ट्विटर अकाउंट पे, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट है, बहुत फेक भी है ट्विटर अकाउंट, बहुत सही भी है, तो उस पर मत जाइए। क्या लिखा हो, वो हो सकता है कि कल उसको चेंज कर दें, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगी, तो आपको देखिए
मैंने 22.66 तक नंबर पहुंच गया था, आपको चाहिए था कितने 25.5, तो यहां से आपको 3 नंबर की रिक्वायर्ड है जो नॉर्मलाइजेशन में इजीली बढ़ जाएगी 3 नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन में बता दूं कि 3 से लेके 7 या 5 6 नंबर तक बढ़ सकता है नंबर नॉर्मलाइजेशन में। तो यहां से आप लोग नॉर्मलाइजेशन के बाद इजीली पास कर जाएंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं यही इस वीडियो में आपको क्लियर करना हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट करिए या मेल करके भी मुझसे इंक्वायरी करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ईमेल भी कीजिए या कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं।